दस साल बाद तो बड़ा बड़ा आज उड़ाई है दस साल माशाल्लाह 10 साल के बाद भी तुम भूले नहीं हो अभी तक है। नहीं यार, से शुरू जो बड़ा मेहरबानी खायाती रहम वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, तो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चले मिलते हैं वीडियो में। फाइनली भाई हलवा पूरी के लिए आ गया हूँ, क्योंकि घर पे गेस्ट नहीं आ रहा, आज बाहर का नाश्ता करा रहा था। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। उमर भाई यार पार्सल कर देना पूरी भाई। भाई ये कौन कौन से साग अपने हैं? ये आलू का है और वो छोले हैं। अच्छा, ये अचार और ये हमारा अचार है, ये हलवा रखा हुआ। अच्छा आपको मैं पूरी दिखाऊं? उमर भाई पीछे से पूरी बनवा रहे हैं, ये बन रही है भाई। आप पेड़े वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर, वहाँ तलने का तरीका देखिएगा अभी आप उनका, ये किस तरीके से डालते हैं। अच्छा एक ही साइज़ की बनकर आएगी, ये देखना आप कमाल की बात। भाई ये देखो अभी इन्होंने ये बेली, और अब कमाल देखना इनका डालने का तरीका देखिएगा। ये देखो आप कमाल के साइज, ये वाह घूमते हुए जाएगी अंदर, सीधी नहीं जाएगी घूमती भी जाएगी। है भाई ऐसा ही है। ये आ गए भाई, ये पहले से तैयार है, ये आ गए। मोर भाई कितना टाइम हो गया तकरीबन इसको बने हुए? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा मैं तकरीबन अपना होश संभाला, मैंने इसको देखा है तो हमने भी जब से होश संभाला तो उससे ये जब से चल रहा है माशाल्लाह से। अच्छा भाई ये मिठाई वगैरह पहले इनके पास सेटअप है मिठाई का, लेकिन अभी इन्होंने हलवा पूरी का रखी, लेकिन ये बहुत पुराना सेटअप है इन लोगों का। चटकारे होते हैं 9 बजे तैयार हो जाते हैं, स्पेशल होते हैं। अच्छा वो होता है इसके अंदर। अच्छा सुबह सुबह ही बनता है। और ये आलू के समोसे आ गए भाई, ये आलू के समोसे हम ट्राई करते हैं यार। ये देखो भाई छोलों का साग जब से एक ही नहीं, ये तो हकीकत है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है कि आपका एक ही साइज़ का छोला चला रहा है और ये आलू की तरकारी आ गई आपकी। तो बहुत यही चीज़ होती है, मैं एकदम एक ही रखना पड़ता है यार। क्या कर रहे हो भाई? क्यारी बना रहे। क्यारी किसे? क्या यानी ये? अच्छा वो घास वगैरह उगा रहे हो यहाँ पर? क्या बेहतरीन हो गया यार, वैसे तुमने सही सही मजदूर के पैसे बचा लिए तुमने, खुद ही रख गए हैं। अच्छा ये मिट्टी यहाँ पे डाल दोगे, आली मिट्टी उठा के डालोगे ना यहाँ पे? जी। वह अच्छी लगेगी वैसे यार भाई। अच्छी भाई ये नीम का पेड़ और उसके साथ नीचे ये वाले सेट ये, लेकिन पापा भाई ऐसे लगाते ना, यूँ लाइन लगाते हुए यूँ हिम्मत नहीं है। हाँ कोड वर्ड बोलो, कोड वर्ड हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं कोड वर्ड यानी हिम्मत नहीं है। अब आप समझ जाओगे देखो बस समझ। नहीं नहीं अब नहीं दिखा रहे भाई। सही है यार, अच्छा लगेगा वैसे यार, यहाँ पे घास उग जाएगी ना, ये है कि सेट रहेगा। सही कह रहे हो हैं। ये बिल्ली को भगाते हुए पप्पे भाई, दोस्त आया था तुम्हारे से मिलने के लिए पप्पे भाई? हैं दोस्त आया था तुम्हारा? कहाँ गया? गया। ए भाई भाई पानी चलाई गया ना, सबसे बड़ी टेंशन तो हमारी यहाँ ख़त्म हो गई है। पानी चलाई गया हमारा, यहाँ जो भरा रहता था 24 घंटे वो चलाई गया। चलो जी पप्पा भाई ने बेहतरीन काम कर दिया वैसे क्यारी का, मैं भी देखता हूँ अगर कोई सेटिंग बना तो वहाँ पे मैं भी करता हूँ यार। चलते हैं पतंग उड़ाने, क्योंकि हवा बड़ी स्लो चल रही है, अच्छा लगेगा मज़ा उड़ाने, मज़ा आएगा। पंखा लगा लूँ? क्यों भाई पंखा लगा लूँ? है पतंग उड़ाने के लिए पंखा लगा लूँ? अच्छा चलो भाई चलते हुए पंखा लगा के उड़ाएंगे। पतंग उड़ाने के लिए फैसल भाई के घर पे आ गया है, मुगीम भी यहाँ पे मौजूद है भाई। हाँ भाई बलाच क्या कर रहे हो? हाँ तेज बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कर नहीं बेटा मुझे आते ही नहीं है करने, मानना भाई। बच्चे बोल रहे पतंग उड़ाने की, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती, लेकिन मेरे को शौक है कि थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन करने मानना बिल्कुल नहीं आती। जिसके उड़ाने या करने होते हैं वो मानना बिल्कुल भी नहीं आते भाई। देखते हैं बलाज को कैसे उड़ाते हैं। बलाज भाई एंजॉय करना है, ओके रानी के घर पे भाई किसको आते करने मानना? आते हैं? अच्छा चलो भाई। हाँ भाई उसे नहीं आती उड़ाने क्या? नहीं यार अपन दोनों एक जैसे हैं यानी। हैं झूठ बोल रहा है ये। चलो भाई फैसल भाई उड़ाओ यार। हवा नहीं चल रही है अब यार, ये क्या है? नहीं करो यार। चलो देखते हैं भाई उड़ाने की कोशिश करते हैं, उड़ाकर फिर आपसे मिलते हैं। भाई फैसल भाई ने पतंग उड़ा ही लिए हैं भाई, हवा ना होते हुए भी उड़ा लिए। ये रे ये रहा भाई ब्लू कलर का हमारा। क्या हुआ सिद्धरान तो उड़ाओ ना, क्या हुआ उड़ाओ ना भाई, लगाओ फिर। हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ।
नीचे नहीं जाओ, ऊपर आओ। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आएंगे भाई। उड़ गई यार, कोशिश पूरी करता हूँ मैं भी उड़ाने की। क्या कर दिया? खिला मिला पता नहीं यार, उड़ेगी नहीं उड़ेगी अल्लाह मालिक है। या तो गई या तो उड़ गई, दो में से एक काम होगा मेरे। अबे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं आती। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखो यार, काफ़ी ज़्यादा सही दूर हो गई है, यही वाली है ब्लू वाली। वहाँ से दरान भी पूरी कोशिश कर रहा है उड़ाने की, लेकिन अभी उससे उड़ नहीं रही है। चलो जी मालिक, चरखी ये रही भाई, चरखी पूरी मांझे की चरखी रखी हुई है। भाई फैसल भाई, तुम बलाज की पतंग पे चढ़ गए हो यार, बलाज का दिल बहुत तेज धड़क रहा है अभी इस टाइम पे। हाँ वाह वाह भाई, वाह वाह भाई। चलो मैं उड़ाने की कोशिश करता हूँ फिर आपका। तो पतंग उड़ाना आती है मालिक, ऐसा बात नहीं है। हाँ हकीकत है, हवा चल रही है थोड़ी सी, तो ये है कि उड़ने में मसला नहीं कर रही है, लेकिन अकल काम कर रही है कर रही। तकरीबन 10 साल बाद तो पतंग आज उड़ाई है मैंने। 10 साल बाद, 10 साल माशाल्लाह। 10 साल के बाद भी तुम भूले नहीं हो अभी तक। नहीं यार, वो ये ना कि बंदा शेर शिकार करना नहीं भूलता, छोड़ देते हैं लेकिन भूलते नहीं है। भूलते नहीं। ये अबू, ये अबू बकर विकास भाई का साथ देते हुए। अबू बकर मेरा साथ दे रहा है भाई, और देख लो कोई नहीं दे रहा। एक मिनट, लोग अच्छा आएगा ना, हाथ में पकड़ोगे। अबे यार मालिक, कैसे उड़े ही नहीं यार। अब तो पतंगबाजी का मजा ही डबल हो गया है फंटा बोतल के साथ। तकरीबन 5 पतंगे हम लोगों ने कटवा ली हैं, 3, 4, 5 हमने काटी हैं, 5 ही कटवाई हैं और 5 ही हमने काटी हैं। हाँ डील पे रखा हुआ भाई, अब मैं मुकीम का साथ दे रहा हूँ क्योंकि सिद्धरान ने हमारी काट दी है बहुत सारी। ये हमारी पतंग ऊपर उड़ रही, अब सिद्धरान की बारी है भाई, अब सिद्धरान की पतंग काटनी है। ये भाग, फिर भाग गया भाई, मज़ा आ रहा है यार। पतंग आ रहा भाई, पतंग आ रहा है। कौन सा पतंग है? अब कोई सा भी नहीं है भाई। नहीं, ये गुलाबी वाला पहले उतर गया। नहीं, उसको नाराज़ हो गया, पहले उतर गया। तो भाई ये बच्चे अलग उड़ा रहे हैं, बलाज अलग उड़ा रहा है, बलाज अलग उड़ा रहे हैं, अपनी मुकीम अलग उड़ा रहे हैं। मेरे को चरखी पकड़ने पे लग दिया भाई। चलो जी कोई बात नहीं मालिक, पेच हो जाए ना, मैं आपको पेच दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन सिद्धरान अब ये नीचे ले आया, मुकीम की इतनी ऊपर है, अब सिद्धरान ऊपर नहीं जा रहा। ये देखें, ये इधर लाने के चक्कर में लगा हुआ, ऐसा ऐसा ये सारा गेम खेल रहा है ये पूरा का पूरा। हाँ ये हाथ से ले आने के चक्कर में है अब सिद्धरान। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, इधर आओ, ये पकड़ो, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। लोगों के घर पे नहीं, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ो। हाँ, लोगों के घर में गैस नहीं आ रहा, तो आप देख रहे हो वहाँ पे आग जल रही है, वहाँ लोग खाना बना रहे हैं अपने घरों में, गैस की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ये सूरज बिल्कुल डाउन हो चुका है अब भाई, आँख एंड है बस अब, ये समझ लो एक तरीके से। मगरिब भी हो चुकी है, अजानें भी हो चुकी हैं। चलते हैं फिर नीचे, ब्लॉग आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बलाज से ही पतंग नहीं उड़ रही है भाई। क्या हुआ, बलाज नहीं उड़ रही? कोशिश कर रहे हो ना आप, कोशिश करो, शाबाश उड़ा दो भाई। मुकीम ने काट दी भाई, काट दी काट दी काट दी, वो रही वही सिद्धरान की, वो जा रही मुकीम की, वो रही। अरे भाई अब हो गया टाइम ज़्यादा, तो चलते हैं नीचे फिर बात करते हैं। 10 साल बाद माशाल्लाह से पतंग उड़ा के मुझे आज लगा कि हाँ मैं पुराना पतंगबाज था। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे को उड़ाना वाकई बहुत पहले 10 साल अहमियत रखते हैं, उड़ाता था, लेकिन अब अचानक मैंने अगर सही उड़ा ली, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना खूब ख्याल रखिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।